जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम में बच चुके हैं 6:30 और कृषि कानूनों के विरोध में कई किसान संगठन पिछले 85 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे इस पे। कल रेल रोको आंदोलन किया गया, रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, नारेबाजी की, लेकिन आज हम आंदोलन की नहीं बल्कि उस इंडिया की बात कर रहे हैं जो आंदोलन से परेशान है, यानी आम जनता जो घर के काम के लिए निकलती है या कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर करती है। उस जनता को मिलता है जाम, सड़कें जाम, रेलवे ट्रैक जाम, हर जगह जाम ही जाम। अब ये लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन इनके पास आंदोलन करना विकल्प नहीं है। तो अगले 10 मिनट हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि आम लोगों की परेशानी क्या है और उनका कहना क्या है। विरोध की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो किसान नहीं है, और ये बात इनके हाथों में लगे पार्टी के झंडे देखकर आप समझ भी गए होंगे। पटना की इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। दूसरे ट्रैक से मालगाड़ी गुजर रही है और जिस ट्रैक पर ये लोग जमे हुए हैं उस पर भी ट्रेन आ रही है। ट्रेन लगातार चेतावनी के लिए हॉर्न भी दे रही है, लेकिन ये लोग नहीं हटे बल्कि ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगे। और अब सुनिए ये पार्टी कार्यकर्ता क्या कहते हैं। ये सभी ट्रेनों को रोकना चाहते थे, हॉर्न सुनने के बाद भी इनमें से कोई ट्रैक से नहीं हटा, बल्कि कुछ लोग प्लेटफॉर्म के रास्ते ट्रेन को रोकने के लिए भागने लगे। इस दौरान भी ट्रेन लगातार हॉर्न दे रही है। आखिर में ड्राइवर को ट्रेन रोकनी पड़ी और ये लोग ट्रेन पर चढ़ने के लिए भागने लगे। इसके बाद देखिए इन लोगों ने क्या किया और क्या कहा, ध्यान से सुनिए। ट्रेन के इंजन पर अब जन अधिकार पार्टी का कब्जा हो चुका है, ट्रेन के इंजन पर अब जन अधिकार पार्टी का कब्जा हो चुका है, देख सकते हैं। इंजन पर ये लोग चढ़ गए, झंडे फहराए, नारेबाजी की और फिर उतर गए। पुलिस ने ट्रैक से इन सबको हटाया और आखिर में ट्रेन आगे बढ़ी। लेकिन सवाल ये है कि इस सब से हुआ क्या, कौन सी समस्या का समाधान रेल रोकने से निकल आया, ट्रेन चलने में देरी हुई, समस्या का कोई समाधान यहाँ नहीं निकला। हालांकि ये जरूर साफ हो गया कि किसान आंदोलन की आड़ में ऐसे दल भी हैं जो अपनी राजनीति को हवा दे रहे हैं। तस्वीर हरियाणा के अंबाला की है, जहां कृषि कानूनों के विरोध में किसान मंडलियों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी हुई, रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए, कोई पटरी पर बैठ गया तो कोई पटरी पर लेटा हुआ दिखाई दिया, ये सब आपने देखा। लेकिन विरोध प्रदर्शन की इस तस्वीर पर गौर कीजिए। अंबाला में रेल रोको प्रदर्शन में एक बच्चा भी शामिल हुआ। ये बच्चा प्रदर्शनकारियों की भीड़ के साथ रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ है और हाथ में झंडा है। अब कुछ सेकंड के लिए आप सिर्फ इस बच्चे को देखिए। मासूम बच्चा कभी पीछे देखने लगता है, कभी दाएं बाएं देखकर सामने देखने लगता है, और कभी उसके हाथ में कोई झंडा थमा दिया जाता है जिसे वो पकड़ लेता है। उसे वहाँ हो रही नारेबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन प्रदर्शन में इतना छोटा बच्चा है क्यों, जिसे ना तो आंदोलन का मतलब पता होगा और ना ही प्रदर्शन का। उसे ये भी नहीं मालूम होगा कि वो आखिर यहाँ बैठा क्यों है और उसके हाथ में जो झंडा है वो क्यों है। सवाल यही है कि रेल रोको आंदोलन में पटरी पर ये मासूम बच्चा क्यों है। छोटी छोटी गलियों से निकलती इन गाड़ियों को देखिए, इन्हें देखकर लगता है कि ये किसी नेता का काफिला है, लेकिन ये किसी नेता का काफिला नहीं बल्कि एक मजबूरी है। ये मजबूरी है सिंघू बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों की। वैसे तो ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बने सिंघू गांव की एक छोटी सी सड़क है, लेकिन इस समय ये हाईवे का विकल्प है। यहाँ से पुलिस की बैरिकेडिंग शुरू हो जाती है
तो सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त है वो दिल्ली से करनाल की तरफ जाने वाले, अगर सोनीपत की तरफ जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए है। ये रोड या हाईवे पूरी तरह से बंद है, यहाँ से यू टर्न दिया गया है। ये दिल्ली से आने वाला सारा ट्रैफिक अब यू टर्न लेके कहाँ से पहुँच रहा है, कैसे जा रहा है, उस गाँव को किस तरह से एक हाईवे की सड़क में तब्दील कर दिया गया है वो आपको दिखाते हैं। पिछले 84 दिनों से सिंघू बॉर्डर बंद है और किसान आंदोलन के नाम पर 6 लेन की ये सड़क बंधक है, जिसकी वजह से लोगों को कच्ची सड़कों का सहारा लेना पड़ रहा है। कच्ची सड़कों पर वाहनों का भी बुरा हाल हो रहा है और लोगों का भी जाने में दिक्कत होती है, परेशानी हो रही है। सर रास्ता बदलना पड़ रहा है, क्या परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है जी, बहुत ज्यादा है। पहले कितना टाइम लगता था, आप कितना लगता है? पहले तो आधा घंटा दिल्ली पहुंचने को यहाँ से लगता था, अब तो 2 घंटे खजल खराब हो गए वहाँ। नहर के नाले के ऊपर वहाँ गाड़ी ऐसे तिरछी हो गई, पलटी जाती, इतनी बुरा हाल है। आने जाने वाले लोगों के साथ साथ किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों से उड़ने वाली धूल की वजह से किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। गाँव के किसानों के इस दर्द की वजह भी किसान ही बने। हमारी तो फसल सारी डूब गई, सारी फसलें मट्टी मट्टी होगी सारी धूल से। इतनी धूल कभी नहीं आई होगी? नहीं कभी नहीं आई, ये तो सारा बैठ गया, इसमें कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखो ना आपके सामने सारा ही खराब हो रहा है ना सारा। कोई कच्चे रास्ते पर लड़खड़ा रहा है, कोई गलियों की लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। दिल्ली बॉर्डर से 14 किलोमीटर तक इसी तरह की यात्रा को झेलते हुए हरियाणा के राय में लोगों को नेशनल हाईवे दिखाई देता है। सिंघू से डाइवर्ट होने के बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है जिसके लिए शॉर्टकट लेना पड़ता है सिंघू गांव से, लेकिन उसके बाद आकर कहाँ मिलता है सब कुछ? ये सब कुछ मिलता है राई में, राई नाम की जगह है इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर आकर ये सारा ट्रैफिक मिलता है। लोगों का ये मानना है कि प्रदर्शन सबका अधिकार है, लेकिन वो जायज तभी तक है जब तक आम लोगों के अधिकारों का हनन न हो। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की वजह से बॉर्डर पूरी तरह सील है, जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है जहां कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने सड़क पर ही अपना तम्बू लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने की वजह से स्थानीय और आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। लोगों को आने जाने के लिए धूल मिट्टी वाले रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है जो बेहद ही जोखिम से भरा हुआ है। आई वर्क इन दिल्ली और मैं रहती गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में हूँ, एंड आई डोंट नो द रास्ते, मुझे क्लियरली पता नहीं है। प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो सब बात ठीक है, लेकिन प्रदर्शन करने का ये अधिकार नहीं है कि रोड जाम कर दो, आप पब्लिक को परेशान करो। अरे यार, आपकी पॉलिटिशियन से जो है, प्रधानमंत्री से जो जाके गुहार लगाओ, जो डिमांड है वो करो। ऐसे करने से आप बैठे हो इतने साल से, कुछ हुआ है क्या? आप जाओगे अपने नेता को भेजो, वहाँ पे बात होगी, चीज होगी, जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। आम किसान तो खुश है भाई साहब, इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिशियन है और कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो है मामला। लोगों को घंटों तक इस ट्रैफिक से जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें दफ्तर या दुकान पहुंचने में देर हो जाती है। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, आज पूरा गाजियाबाद घूमना पड़ा। पहले मैं जब इधर से रिंग रोड से गया तो मुझे पता नहीं था रास्ते का, बहुत भटका मैं। हम लोग अपने काम के लिए निकले, मेरा काम ही पूजा पाठ का, अपनी रोजी रोटी मेरी इसी से चलती है, और कहीं लेट हो गया तो वहां से भी गए, इधर से भी गए। सड़कें बंद हो जाने की वजह से सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों को ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। दुकानदारी तो सर जी थपी है, जब इतनी ट्रैफिक रहेगी कहां से ग्राहक आएंगे, नहीं कहीं कुछ खरीद करने की जगह, न कहीं कुछ। इस वजह से सर दुकानदारी में बहुत असर पड़ गया है, हम लोग मतलब खाने पीने का भी इस समय बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार सबके पास है, उससे किसी आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तीनों कृषि कानून के खिलाफ चल रहा ये आंदोलन अब धीरे धीरे जनता की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान संगठनों ने रेल रोको आंदोलन किया। इसकी वजह से कई ट्रेनें अपने तय समय से लेट रही। ट्रेनों के लेट होने की वजह से दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के रेल यात्रियों को काफी परेशानियां हुई।
ये तस्वीरें बीकानेर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां किसानों के रेल रोको आंदोलन से कई यात्री नाराज नजर आए। अगर ट्रेन रोकता है किसान तो वो नाजायज है, वो एक आम आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, आम आदमी को परेशान करने की बात है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसका झगड़ा है तो सरकार से है। किसान ये सब चीज मेरे हिसाब से नहीं चाहता है कि अपने राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो। ये क्या है कि पूरा एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है इस आंदोलन ने, उसकी वजह से ये पूरा सब किया जा रहा है, पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में किसानों ने रेल रोक कर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की वजह से ट्रेनें लेट हो रही थी और लोग परेशान हो रहे थे। आम पब्लिक को परेशानी होती है इससे, और बिल्कुल परेशानी होती है इससे। जो उन्होंने आंदोलन किया वो अपनी जगह पर हालांकि सही उनके लिए खतरा है, जो पर पब्लिक को तो परेशानी होती ज़्यादा, ट्रेन रोकोगे परेशानी होगी ज़्यादा बहुत। किसानों का अपना मसला है, इससे पब्लिक को क्यों परेशान किया जाता है इस बातों को लेकर के, वो जाने वो सरकार जाने। इसमें तो बहुत परेशानी होगी हम लोगों को, अभी तो इधर ही रहना होगा, फिर तो जाना तो जरूरी है, अब देखिए क्या होता है आगे। किसान दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों पर अपना टेंट लगाए हैं, इसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही थी। इसके बाद आज किसानों के रेल रोको आंदोलन ने जनता की परेशानियां और बढ़ा दी। तीनों कृषि कानून के खिलाफ चल रहा ये आंदोलन अब धीरे धीरे जनता की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान संगठनों ने रेल रोको आंदोलन किया, इसकी वजह से कई ट्रेनें अपने तय समय से लेट रही। ट्रेनों के लेट होने की वजह से दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के रेल यात्रियों को काफी परेशानियां हुई। ये तस्वीरें बीकानेर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां किसानों के रेल रोको आंदोलन से कई यात्री नाराज नजर आए। अगर ट्रेन रोकता है किसान तो वो नाजायज है, वो एक आम आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, आम आदमी को परेशान करने की बात है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसका झगड़ा है तो सरकार से है। किसान ये सब चीज मेरे हिसाब से नहीं चाहता है कि अपने राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो। ये क्या है कि पूरा एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है इस आंदोलन ने, उसकी वजह से ये पूरा सब किया जा रहा है, पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में किसानों ने रेल रोक कर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की वजह से ट्रेनें लेट हो रही थी और लोग परेशान हो रहे थे। आम पब्लिक को परेशानी होती है इससे, और बिल्कुल परेशानी होती है इससे। जो उन्होंने आंदोलन किया वो अपनी जगह पर हालांकि सही उनके लिए खतरा है, जो पर पब्लिक को तो परेशानी होती है ज़्यादा, ट्रेन रोकोगे परेशानी होगी ज़्यादा बहुत। किसानों का अपना मसला है, इससे पब्लिक को क्यों परेशान किया जाता है इस बातों को लेकर के, वो जाने वो सरकार जाने। इसमें तो बहुत परेशानी होगी हम लोगों को, अभी तो इधर ही रहना होगा, फिर तो जाना तो जरूरी है, अब देखिए क्या होता है आगे। किसान दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों पर अपना टेंट लगाए हैं, इसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही थी। इसके बाद आज किसानों के रेल रोको आंदोलन ने जनता की परेशानियां और बढ़ा दी। हर आंदोलन लोगों की परेशानी नहीं बनता, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें संपत्ति को नुकसान नहीं होता और ना ही रास्ते बंद होते हैं। अब पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, जिससे आम जनता सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन ये आंदोलन की बजाय शांति से अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जिन्हें सुनना भी बेहद जरूरी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों को देखें तो 9 फरवरी से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस महीने 12 बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है और इसका सीधा असर आम जनता के बजट पर पड़ रहा है, जिनके लिए सिर्फ आने जाने का किराया ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ने से उन तक पहुंचने वाली हर चीज की कीमत बढ़ गई है। बहुत दिक्कत है, क्या बताएं कि मतलब अब ऐसा लग रहा है कि भरवाई ना, मतलब पैदल ही चले, आप साइकिल लेके ही चले, आप मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। जेब पे भार इतना ही पड़ रहा है कि जितना हम कमाते हैं उससे ज्यादा तो हम तेल में गाड़ी में तेल भर देते हैं। परेशानी तो सर बहुत है, इसका दाम घटना चाहिए, गवर्नमेंट हम लोग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जगह चाहे जो भी हो, आम जनता का एक ही हाल है, दिक्कतें बढ़ गई हैं और जेब ढीली हो गई है। इतना दाम बढ़ गया है, इसमें सरकार को दोष देके कुछ भी मतलब नहीं, ये आम पब्लिक का काम है। पेट्रोल के दाम अगर ऑल इंडिया वर्ल्ड में अगर आपको 30 रुपीज में पेट्रोल मिल रहा है या आपको आपको 95 में मिल रहा है, ये आम पब्लिक सोचना चाहिए, आम पब्लिक को यहाँ ये आवाज उठाना चाहिए। बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो पेट्रोल हम लोग को हफ्ते में जाता है तो वो अभी 5 दिन के अंदर भी नहीं जाता, मतलब क्या इतना बढ़ा के भाव। पेट्रोल बढ़ गया, सारे ट्रांसपोर्ट बढ़ गया,
इससे पूरा जो डेली रूटीन रहता वो सारा चेंजेस ही होगा कि ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, इन द सेंस तुम्हारी सब्जी बढ़ गई, तेल बढ़ गया, सभी बढ़ गए। और हमारे जैसे लोगों के लिए रोज के लिए तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा कि कमाएंगा क्या और पेट्रोल डालेंगा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बढ़ ही रहा है कुछ, क्या कुछ कर ही नहीं सकते, जो है वो लेना ही पड़ता हमको, तो कोई कम तो होना नहीं है रेट। बढ़ती कीमतों की मार आम जनता न चाहते हुए भी झेल रही है। लोगों का यही कहना है कि महंगाई को बर्दाश्त करना इनकी मजबूरी बन गई है और शायद आदत भी। कृषि कानून के विरोध में जालंधर में किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे थे और इस दौरान अहमदाबाद से कटरा जाने वाली ट्रेन रोक दी गई, जिसके बाद यात्री स्टेशन पर ही गरबा करने लगे। ये यात्री अहमदाबाद से वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और किसानों के आंदोलन के चलते ये इनकी ट्रेन जालंधर स्टेशन पर रुक गई। इसके बाद सफर करने वाले यात्रियों ने गरबा करना शुरू कर दिया। तो आंदोलन के दौरान भी कई तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन्हीं के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देख रहे हैं जी न्यूज। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।